प्रधानमंत्री जी द्वारा कोरोना संकट से उभरने के लिए पूरे देश के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के जिस आर्थिक पैकेज की घोषणा की है, आज उस क्रम में माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा एमएसएमई सेक्टर के लिए बहुत बड़ी घोषणा की गई है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का इस घोषणा के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एमएसएमई सेक्टर जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक इस सेक्टर में यूनिट वाला प्रदेश है। सबसे अधिक एमएसएमई सेक्टर से जुड़ी हुई यूनिट हमारे पास उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अपनी अभिनव योजना के माध्यम से इस सेक्टर को एक नई जान देने का प्रयास भी किया था, लेकिन कोरोना संकट के कारण जो एक रुकावट आई, आज जिस प्रकार की घोषणा हुई है, खासतौर पर एमएसएमई सेक्टर के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के लोन की घोषणा, इस सेक्टर में कार्य करने वाली यूनिट को अलग से मदद देने के साथ ही देश के अंदर इस सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मी हैं उनकी ईपीएफ की समस्या के समाधान करने के लिए भी जो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, ये अभिनंदनीय हैं। मैं इसका स्वागत करता हूं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर एमएसएमई सेक्टर को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की बैठक पहले ही कर ली है और इस बैठक के माध्यम से हम लोग कल से लोन मेला प्रारंभ करने जा रहे हैं। कल एक साथ उत्तर प्रदेश के अंदर 36,000 से अधिक एमएसएमई सेक्टर में कार्य करने वाले, यानी हमारा जो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम में काम करने वाले जितने भी हमारे उद्यमी हैं, जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए लोन मेले की हम लोगों ने ऑनलाइन व्यवस्था प्रारंभ की है और कल 36,000 ऐसे लोगों को, उद्यमियों को हम लोन एक साथ, मेरा अनुमान है कि लगभग 1600 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए का लोन एक साथ यहाँ पे वितरण होगा। आज की इस घोषणा के साथ ही माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा एमएसएमई सेक्टर को नई ताकत देने के लिए जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ है, ये वास्तव में भारत की वह ताकत है जिसे प्रधानमंत्री जी ने लोकल को ग्लोबल बनाने की मुहिम को एक नई दिशा देने के सामने उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। मुझे विश्वास है कि एमएसएमई सेक्टर में इससे एक नई जान आएगी और हम भारत को आत्मनिर्भर भारत, एक स्वावलंबी भारत और एक सशक्त भारत बना करके आज कोरोना संकट से न केवल उभारने में अपितु तो दुनिया की एक आर्थिक ताकत बनाने में भी हमारा एमएसएमई सेक्टर इस प्रकार के सरकार के सहयोग के सहयोग से एक नई ताकत के रूप में उभरेगा और भारत निश्चित ही एक ग्लोबल ताकत के रूप में, इकोनॉमी के रूप में उभरेगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय वित्त मंत्री जी का एमएसएमई सेक्टर के लिए इस बृहद पैकेज की घोषणा के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं।